नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव.डॉट न्यूज। फटाफट खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज सुबह की ताजा खबर। पहली खबर, आज 16 मार्च शनिवार है। 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारी से बचाने के लिए टीका के उपयोग का बढ़ावा देना है। इसकी सुविधा आप अपने निकटतम प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को समय से सभी टीका अवश्य दिलाई जा सके। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, खासकर प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों, यह कि अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्कूल फी बकाया होने पर भी संचालक उसे परीक्षा से देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को सूचना दे दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए क्रिकेटर श्री संत के ऊपर लगा प्रतिबंध आजीवन के लिए हटा दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए RTO से NOC लेने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिस कारण आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण देश में कहीं से भी करा सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, गूगल ने एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च किया है जिसके तहत आपके व्हाट्सएप पर अगर कोई फर्जी न्यूज या फर्जी तस्वीर या कोई फेक न्यूज आता है तो आप उसका पता लगा सकते हैं, यह सही है या गलत है। इसके लिए गूगल ने एक नया फीचर ऐप जारी किया है जिस पर आप सर्च कर जान सकते हैं कि तस्वीर फर्जी है या सही है। इसका सत्यापन आप अच्छा से कर सकते हैं। दोस्तों, बेरोजगार युवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अगली खबर यह है कि HR की जगह अब रोबोट लेगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू, जो बिना किसी भेदभाव के सही उम्मीदवारों का चयन करेगा। बहुत अच्छी खबर है, जो पहले इंटरव्यू में हो रहे बहुत तरह की धांधली तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, अगली खबर, दूध पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब दूध और इससे जुड़े प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को अब और कड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। फूड रेगुलेटर FMCI ने डेयरी कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, जिस कारण अब वह दूध में मिलावट नहीं कर पाएंगे। मिलावट को रोकने के साथ साथ दूध की क्वालिटी सही और उत्तम करने के ख्याल से कंपनियों को अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही बहाल करना पड़ेगा, जिससे किसी तरह का संक्रमण रोग नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रकृति गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण 1 अप्रैल 2019 से सरकार CNG और PNG के दाम बढ़ा सकते हैं, जिससे आम लोगों को अब गाड़ी चलाना खाना बनाना दोनों महंगा हो सकता है। इसके कीमत में लगभग 20% की वृद्धि होने की संभावना है, 20% बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने न्यू प्रमोशन कैंपेन मार्च मैडनेस को शुरू किया है। यह कैंपेन 17 मार्च तक चलेगा। प्रमोशन कैंपेन के तहत जो यूजर्स इस स्मार्टफोन को प्रीपेड पेमेंट कर खरीदेंगे तो उन्हें 2000 तक का कैशबैक मिलेगा। यह कैशबैक Amazon बैलेंस के रूप में दिया जाएगा। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में SBI के ग्राहकों कार्ड का इस्तेमाल किए बिना ATM से कैश ले सकेंगे। SBI ने इस सुविधा को योनो ऐप का नाम दिया है। SBI के ग्राहक देश भर में 16,500 ATM पर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों पर भी मिलेगा 4% का ब्याज। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया एक मोबाइल बैंकिंग ऐप, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा रकम पर मिलेगा 8% का ब्याज, क्योंकि यह राशि अब अपने आप फिक्स डिपॉजिट में
तब्दील हो जाएगी। दोस्तों अगली खबर है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभियांत्रिक छात्रों की व्यवहारिक योग्यता बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के दौरान औद्योगिक संस्थानों में 2000 घंटे काम करना अनिवार्य करने जा रही है। परिषद का प्रस्ताव यह है कि काम करने के बाद ही छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी। परिषद इसके लिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों तकनीकी बेरोजगार युवकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, देश भर के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट समेत अन्य संस्थानों में पढ़ाई कर रही युवाओं को अब स्टार्टअप शुरू करने में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। युवाओं को दिक्कत को दूर करने के लिए 35 युवा उद्यमी के ग्रुप राइजर्स एक्सीलेटर ने स्टार्टअप में पैसे मुहैया कराने की घोषणा की है। इसके तहत स्टार्टअप के लिए 10 लाख से 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए राइजर्स और आईआईटी ने दिल्ली में समझौता कर लिया है। देशवासियों के लिए मोदी सरकार की अगली बड़ी खबर, अगर आप पैसा डबल करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र बचत योजना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यह कि इस योजना में मात्र 112 महीने में आपके निवेश को डबल कर दिया जाएगा। इस योजना में नॉमिनेशन की सुविधा भी दी गई है एवं आप इसे दूसरे व्यक्ति को सर्टिफिकेशन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यह योजना पूरे देश में एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें निवेश की निम्नतम सीमा मात्र 1000 है, जो मध्यम एवं निम्न वर्गीय लोगों के लिए ज़्यादातर कारगर है। दोस्तों चुनाव नज़दीक होने के कारण सरकार ने मतदाताओं को एक बड़ी सुविधा दी है, जिससे अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे मोबाइल ऐप से अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है, इस ऐप का नाम है वोटर हेल्पलाइन है ऐप है। अगली महत्वपूर्ण खबर, सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए अब तक के सबसे शानदार ऑफर की घोषणा की है। वित्त निदेशक विवेक बंजाल ने कहा है कि अब BSNL अपने लैंडलाइन ग्राहकों को 5GB प्रतिदिन मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगी। दोस्तों अगली खबर, मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि मुंबई में हुए ब्रिज हादसे में मरने वाले के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा। महाराष्ट्र सरकार पीड़ित परिवारों एवं उनके आश्रितों को देगी। दोस्तों फटाफट न्यूज़ में आपको जो जानकारी मिली है आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही आपके अगर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।